हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया पावा कधाई गल मूवी की एक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2020 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 8.1 रेटिंग्स भी मिले हैं। ये एक एंथोलॉजी मूवी है और इस मूवी में 4 अलग अलग स्टोरी है जिसमें से मैं सेकेंड स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है नारीकुटी और बीरा सिमान से, जो समाज के सामने ये दिखाते हैं ऊंची जात और नीची जात होने के बावजूद भी एक लड़का और लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसे जोड़े को वो मार देते हैं। और राधि लक्ष्मी और ज्योति लक्ष्मी दोनों जुड़वा बहने हैं। उन दोनों ने एक साल से ना तो एक दूसरे को देखा है और ना ही बात किया है। और ये है पेनेलोप, जिसके जरिए आधी ज्योति से बात करती है। फिलहाल वीडियो कॉल पर आधी बताती है कि वो अपने पापा को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना चाहती है, जो सुन के ज्योति बताती है कि उसके पापा कभी नहीं मानेंगे। और पेने ये सोचकर हंसती है कि अगर ज्योति के बारे में उसके पापा को पता चल गया तो फिर क्या होगा। और फिर कहानी में आगे आधी बहुत हिम्मत करके अपने पापा को बताती है कि वो किसी से प्यार करती है और उसी से ही शादी करना चाहती है। वो लड़का और कोई नहीं, उनका ड्राइवर है। और फिर वो ड्राइवर भी बीरा सिमान को समझाता है, तो दोनों की बातें सुनकर बीरा सिमान चुप रहता है। कहानी में आगे आधी वीडियो कॉल पर पेने को बताती है कि उसके पापा मान गए हैं उन दोनों के शादी के लिए, तो अब ज्योति को भी घर वापस आ जाना चाहिए। और फिर आधी जब ज्योति को बोलती है उससे बात करने के लिए, तब ज्योति चुप रहती है। अब क्योंकि पेने आधी और ज्योति को साथ में देखना चाहती थी, इसलिए वो ज्योति को बोलती है आधी से बात करने के लिए। तब ज्योति बताती है कि ऐसे बात करने से कुछ नहीं होगा, जब दोनों सामने रहकर बात करेंगे वो पल बहुत ही खास होगा देखने में। और इधर बीरा सिमान नारीकुट्टी को समझाता है कि आधी उसकी बेटी है तो वो उसे नहीं मार सकते, लेकिन नारीकुट्टी कुछ नहीं सुनता है, क्योंकि अगर कुछ रूल बना है तो वो सब पर लागू होना चाहिए। और अगर बीरा सिमान अपने ही बेटी को मार देंगे तो सब उनसे डरेंगे, और इसलिए बीरा सिमान को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो सुन के बीरा सिमान राजी हो जाता है और पुलिस को कॉल करके ड्राइवर पर इल्जाम लगाता है कि उसने उनका कार चुरा लिया है, जबकि सच तो ये था बीरा सिमान ने खुद उसको वो कार दिया था ताकि उसमें वो ड्राइवर अपने फैमिली को लेके आए शादी की बात करने के लिए। कहानी में आगे एक तरफ बीरा सिमान अपनी बेटी आधी से पूछता है कि अगर वो शादी के लिए नहीं मानते तो आधी क्या करती, जो सुन के आधी बताती है कि वो भाग जाती। और दूसरी तरफ नारीकुट्टी उसे मारने का सारा बंदोबस्त करता है। और फिर आधी जब बाथरूम में जाती है नहाने के लिए, तब वो इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाती है। और तभी ज्योति घर आती है पेने और बिक्यूब के साथ, क्योंकि वो आधी को सरप्राइज देना चाहती थी। आगे ज्योति जब अपने पापा से आधी के बारे में पूछती है तो उसके पापा झूठ बोलते हैं। और नारीकुट्टी जब सबको अपने शक्लें ठीक करने बोलता है तब पेने को शक होता है। और बिक्यूब को देख के नारीकुट्टी को लगता है कि जरूर ज्योति और इसका चक्कर चल रहा है। और यही बात कन्फर्म करने के लिए वो ज्योति से भी पूछता है, तो ज्योति बताती है कि वो प्यार करती है। आगे ज्योति कुछ और भी बताती कि तभी वहाँ पे पेने आ जाती है, जिसको देख के नारीकुट्टी गाली देता है। अब क्योंकि पेने को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो आधी को कॉल करती है, लेकिन फोन रिसीव ही नहीं होता, जो देख के पेने ज्योति को ये बात बताती है। और फिर दोनों मिलके जब बिक्यूब को लेने जाते हैं ताकि तीनों मिलके आधी को ढूंढ सके, तब बिक्यूब उनको नहीं मिलता है, क्योंकि नारीकुट्टी बिक्यूब को मार रहा था ताकि बिक्यूब बीरा सिमान के सामने सब सच बता दे। लेकिन ज्योति आके सबको बताती है कि वो बिक्यूब से नहीं पेने से प्यार करती है, लेकिन नारीकुट्टी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ज्योति ने कुछ और बोला था। और यही बात जब वो सबको बताता है तो ज्योति सबको समझाती है कि उसने बोला था कि वो प्यार करती है, लेकिन किससे करती है ये नहीं बताया था, जो सुनकर भी नारीकुट्टी को विश्वास नहीं होता है। और इसलिए दोनों सबके सामने किस करते हैं, जो देख के बीरा सिमान ज्योति को बताते हैं आधी मर गई है और वो उसे भी मार देंगे, और अगर ज्योति उनकी बात ना मानी तो वो बिक्यूब और पेने को भी मार देंगे। और फिर पेने ने जो ख्वाब देखा था कि वो दोनों बहनों को मिलते हुए देखेगी, वो ख्वाब अधूरी रह जाती है। और ज्योति आधी को देख के रोती रहती है, और उसने जो सोचा था वो आधी से मिलके बात करेगी वो भी पूरा नहीं होता है, और इसलिए वो सबसे ज्यादा दुखी थी। लेकिन नारीकुट्टी को रोते हुए देख के पेने को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसी ने ही मारा था और फिर भी वो रो रहा था।
फिलहाल पुलिस आके बिरासीमन को बताते हैं कि उस ड्राइवर की मौत हो गई है कार एक्सीडेंट के वजह से। जो सुनने के बाद बिरासीमन बीक्यूब और पेने को वहाँ से भाग जाने बोलते हैं। जो सुन के पेने बीक्यूब को लेके चली जाती है, लेकिन उसके बाद बिरासीमन और ज्योति आधे के लिए रोते रहते हैं क्योंकि वो दोनों ही उससे प्यार करते थे। और फिर एक दिन ज्योति अपने पापा को बोलती है या तो उसको मार देने के लिए या फिर उसको जाने देने के लिए, क्योंकि उसे अब यहाँ रहने में घुटन हो रही है। और फिर वो अपने पापा को समझाती है, प्यार तो प्यार होता है और वो किसी से भी हो सकता है, और प्यार में जात नहीं देखा जाता। जो सुन के बिरासीमन ज्योति को जाने देते हैं क्योंकि वो ज्योति को भी खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जाते वक्त पेने बिरासीमन को वीडियो कॉल करके बताती है कि वो और ज्योति लेस्बियंस नहीं है और ना ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस बीक्यूब को बचाने के लिए उन दोनों ने नाटक किया और ज्योति बीक्यूब से प्यार करती है। और फिर पेने नारीकुट्टी को वही गाली देती है जो गाली नारीकुट्टी ने उसको दिया था। और ये सब सुन के बिरासीमन हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। और फिर कहानी में आगे बिरासीमन अपना गांव छोड़ के बीक्यूब और ज्योति के साथ रहने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, इस एपिसोड के जरिए डायरेक्टर ने सबको यही समझाया है, प्यार प्यार होता है, जहाँ जाति धर्म देखा नहीं जाता। और अगर दो लड़कियाँ एक दूसरे से प्यार भी करती है तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ इस साल के अंत तक हमारे इस चैनल पे 50K सब्सक्राइबर हो जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।